टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 5% मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर MIM पार्टी लगातार हुंकार भर रही है और MIM पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर तिरंगा यात्रा भी निकाला था, मगर मुंबई के आजाद मैदान में 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक प्रोटेस्ट भी रखा गया है 5% मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर। इसकी जानकारी MIM पार्टी के मुम्बरा के नगर सेवक शाह आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो MIM ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका मुद्दा जो हमारा 5% आरक्षण का लेके चल रहा है उसी मुद्दे पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। MIM इंशाल्लाह ताला 27 तारीख के दिन फिर एक हम धरना प्रदर्शन आजाद मैदान में करने जा रहे हैं, इसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो वहाँ पे सिर्फ मुमरा वाले करेंगे कि आपके जितने नगर सेवक है सारे वहाँ लोग आएंगे? देखिए, ये मुद्दा MIM का नहीं है, ये मुद्दा एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। इसको लेके हमने इस मुद्दे को उठाया है MIM पूरे मतलब थाना की मुमरा की बम्बई जितने हमारे अतराफ में है MIM के लोग इसको ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आपका मतलब कहना है कि आपका पार्टी का मुद्दा नहीं है, इस पूरी मुस्लिम आरक्षण का मसला है, तो इसमें क्या और भी पार्टियों के लोग सपोर्ट करेंगे उसे? हम तो यही चाह रहे हैं कि जो पार्टी जो सेकुलर पार्टियां थी आज से पहले, जो कांग्रेस NCP, आपको मालूम है कि 2004 से लेकर 2014 तक जब इनकी सरकार थी उसके बाद BJP शिवसेना की सरकार थी, तो यही जो सेकुलर पार्टियों के जो MLA थे हमारे मुसलमान, ये लोग ही चिल्ला रहे थे हाउस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो नवाब मलिक साहब ने जब इससे पहले वो थी तो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 5% चाहिए रिजर्वेशन देने जा रही है, लेकिन उसके बाद इन लोग ने इम्प्लीमेंट नहीं किए और आज जब ये बात आ रही है कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद अब ये सरकार में रह के सत्ता इनकी है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी कानून लाना चाहती थी प्रस्ताव पास कर लेती थी, तो आज जब शिवसेना कांग्रेस और NCP की गठबंधन की सरकार चल रही तो इनको तो किसी का वो लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनको प्रस्ताव लाना था और प्लान पास ये इसको अमल बजौनी करना था और 5% मुसलमान को रिजर्वेशन दे देना चाहिए था, तो क्यों नहीं दे रहे ये लोग? शालम आदमी साहब, एक सवाल था आपसे। जैसा आपका चांदीवली में प्रोग्राम था, आपके सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे, इम्तियाज जलील साहब ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें सिर्फ आपकी पार्टी के जुड़े लोग जो हैं या ये सोच के कि सिर्फ MIM का प्रोग्राम है जो कि एक आम आवाम का और आम मुसलमान का ये मसला है, तो इस निस्बत पर आप मुमरा की आम आवाम से इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए क्या गुजारिश करेंगे और उनसे क्या आपकी दरख्वास्त है? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मुमरा के MLA के बारे में कहना चाहता हूँ कि तुम एक सेकुलर पार्टी से आते हो और सेकुलर लोग वोट आपको दे रहे हैं। आज 15 साल से मुमरा से जो हमारे MLA मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब हैं तो सेकुलर लोगों का वोट दे रहे हैं और इनकी भी पार्टी सेकुलर ही नाम से जानी जा रही है ना, NCP और कांग्रेस। तो इससे जब हमारा ये आरक्षण का मुद्दा 11 तारीख को जो हमने प्लान किया था, जो धरना प्रदर्शन रखे थे, हमारे बैरिस्टर अशोकी नवेशी साहब आए थे, इम्तियाज जलील साहब आए थे, तो इन्होंने तमाम मुस्लिम MLA जो भी थे सबके पास जाके कहा गया था कि आप इसका समर्थन करें, क्योंकि हाउस में आप चिल्ला रहे हो, आप बाहर जब ये सरकार से ये लेने की बात आ रही तो समर्थन क्यों नहीं दे रहे, मुस्लिम MLA क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? सेकुलर MLA का काम है ना कि इस पार्टी के इस मुद्दे को सपोर्ट करे। इससे पहले जब महाराष्ट्र में हुआ था मराठा आंदोलन की बात चली थी, तो मराठा आंदोलन के अंदर महाराष्ट्र के जितने भी MLA थे, चाहे वो शिवसेना के थे, BJP के थे, राष्ट्रवादी के थे, कांग्रेस के थे, किसी भी दल के MLA थे, वो लोग अपनी पार्टी से हट के अपने ये आंदोलन में सपोर्ट करने उतरे थे। तो मुसलमानों का जब 5% मुद्दे की बात चल रही है तो चाहे कोई भी पार्टी के MLA हो, उनका काम था ना कि इसमें आगे सपोर्ट करना चाहिए था, उनको उतरना चाहिए था। 15 दिन पहले तिरंगा रैली निकाली गई इतनी बड़ी है, तो दोबारा वापस ये धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए, हम इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पार्टी सरकार में है इस वक्त, यही लोग आज से इनकी सरकार बनने से पहले मांग कर रहे थे 5% आंदोलन की। अबू हासिम आजमी साहब थे, नवाब मलिक साहब थे, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब थे, जितने भी MLA थे, जितने भी BJP और शिवसेना के अगेंस्ट में जो सत्ता अपोजिशन में जो लीडर थे, यही लोग चिल्ला रहे थे ना। तो आज हम इसीलिए वापस से ये कर रहे हैं कि आप तो आप ही की सरकार है, आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ
5% रिजर्वेशन का रूल ला के इम्प्लीमेंट करना है और 5 मुसलमानों को देना है, तो क्यों नहीं कर रहे? इन्हीं को हम जगा रहे कि भाई अब तो आप आपके हाथ में, आपको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रस्ताव पास कराना और लाके लागू करा देना है। जिस तरीके से अभी ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या इसकी परमिशन मिली आपको? देखिए, ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है पूरे देश में चल रहा है, तो पूरे यही महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना बीजेपी तमाम लोग कर रहे आंदोलन, जो भी इनका प्रोग्राम है वो कर रहे, तो MIM क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको इसकी परमिशन मिली? बिल्कुल परमिशन मिली, इसलिए तो हम 27 तारीख को आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इम्तियाज अजीज साहब ने एक बात कही कि जो सत्ताधारी पार्टी है इस वक्त जो महाराष्ट्र में सरकार चला रही है विकास आघाड़ी, अगर 5% रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र में वो कहीं भी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो आप जीते हुए कैंडिडेट हो अभी फिलहाल वक्त में, अगर रिजर्वेशन ये 5% अगर मिल जाता है इलेक्शन से पहला, तो क्या आप भी इलेक्शन नहीं लड़ोगे इस जगह से? मुझे मेरी सीट से ज्यादा बढ़ के तो मेरे लिए ये फायदा कि मेरी कौम को 5% आरक्षण मिल जाएगा। हम तो तैयार है, हम तो अभी भी करेंगे जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने डिक्लेयर किया है कि 95,000 एकड़ जमीन जो है इसकी वक्फ बोर्ड की वो, और ये 5% दे देवे MIM इलेक्शन नहीं लगेगी, MIM इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर नहीं लड़ेगी। हम तैयार है, आप देने को तैयार है क्या? रिजर्वेशन दे दीजिए हमको, हम मैदान छोड़ देते हैं आपके लिए, आप लोग लड़िए। नवाब मलिक ने का एक इंटरव्यू आज आया था, वो उसे देख के मैं पूछना चाहता हूँ। नवाब मलिक ने कहा है कि ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन बुक है, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार अगर देगी तो हम चाह रहे हैं कि आज जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स बाकी है लिखत पढ़त करने में, हमने सारे प्रोसीजर कर दिए, अगर केंद्र सरकार ऊपर से लागू कर देगी तो हम इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए नवाब मलिक की? तो नवाब मलिक साहब ने जब ये आज ये बात कर रहे हैं, तो 2004 के बाद और उसके बाद से जो ये चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे? अगर वो कानून नहीं था तो आप पहले कानून पे काम करके फिर 5% आरक्षण देना चाहिए था ना, मांग करना चाहिए था ना आपकी। आप लोग भी तो मांग कर रहे थे ना हाउस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुसलमानों को दिया जाए। तो नवाब मलिक साहब को उस टाइम ये नहीं मालूम था क्या? नवाब मलिक साहब उस टाइम भी MLA थे ना, उस टाइम भी हाउस में थे ये, तो आज ये सेंटर से लेके आने की क्या जरूरत पड़ गई इनको? उस टाइम की जरूरत थी क्या? आम आवाम तक का आपका आखिरी पैगाम क्या रहेगा? हमारी आवाम से ये गुजारिश है कि देखिए, जिस तरीके से मराठा अपना हक लेने के लिए उतर सकते, CST ST उतर सकते, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि ये अपना हक लेने के लिए और इस मुद्दे पे जो MIM के कदम उठाई है इसमें समर्थन करें और खुद उतरे। ये आपके हक की लड़ाई है, ये MIM की हक की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमानों की हक की लड़ाई है। वो चाहे किसी भी पार्टी में वो रहे, हमको ये जरूरी नहीं है कि वो MIM में, वो NCP में है, कांग्रेस में है, समाजवादी में है, शिवसेना में है या BJP में। मुसलमान जिस भी पार्टी में है उसको चाहिए कि अपना हक लेने के लिए इस प्रोग्राम में और इस मुद्दे पे उतरे और अपना हक लें। सालम आजमी साहब, सेकुलर लफ्ज सेकुलर थे जो आपने कहा कि यहाँ के MLA जो हैं वो सेकुलर पार्टी से आते हैं, उन्होंने सारे सेकुलरिज्म को ताक पे रखते हुए सत्ता के लालच में, सत्ता हासिल करने के उसमें शिवसेना के साथ जो टाइप करके सरकार चलाया, या आज भी जो डिक्लेयर कर रहे हैं तकरीबन कि हम महानगर पालिका का इलेक्शन भी युति में लड़ेंगे, एक दूसरे से युति करके लड़ेंगे, तो इस पे उनके सत्ताधारी ये सेकुलर होने पे सवालिया निशान नहीं आता है कि जिस पार्टी के सुप्रीमो ने ये कहा कि मस्जिद शहीद करने में हमारा हाथ नहीं लाग था, आज तक आपकी अदालत के अंदर बाकायदे उन्होंने कहा, और उस पार्टी के साथ ये हर तरह का गठबंधन करे, तो इनके सेकुलरिज्म पे सवालिया निशान नहीं लगता है? बिल्कुल सवालिया निशान है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब आप देखिए कि सेकुलरिज्म के नाम पे ये लोग वोट मांग रहे और सत्ता में रहने के लिए शिवसेना, आज इनकी जो शिवसेना कल तक कम्युनिस्ट पार्टी थी आज सेकुलर हो गई, तो सत्ता में रहने के लिए लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया। उसके बाद अब ये चाहिए मुस्लिम लीडरान को, जो NCP या कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडरान है उनको सोचना चाहिए, उनकी सोच बदलना चाहिए कि वाकई आप सेकुलर है या आप भी सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं कि सरकार जिसके साथ में बने हमको सत्ता में रहना है तो बुझा रहे। तो आप मुस्लिम लीडरान और मुस्लिम वोटरों को चाहिए कि आप सोच समझ के वोट दे इन लोगों को, ऐसे सेकुलर लीडरान को वोट दे जो आपका वोट सेकुलर के नाम पे ले रहे और जाके कैबिनेट के साथ में सरकार, कल ये BJP के भी साथ में सरकार बना सकते हैं। तो अब ये वोट देने के लिए मुसलमानों को सोचना चाहिए आपका काम कौन करेगा। BJP का दरवाजा हमारे साथ खुला है, जब बीच में उनकी शिवसेना के साथ अनबन चल रही थी, तो यहाँ के MLA ने बाकायदे कहा BJP का रास्ता, तो आप देख रहे हो ना कि ये लोग अपने सत्ता में रहने के लिए BJP के साथ में भी सरकार बना सकते हैं।
तो सेकुलर लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बार जो इलेक्शन आ रहा है आप सोच समझ के वोट दीजिए, नहीं तो आपका वोट लेंगे ये सेकुलर के नाम पे आके दुहाई देते। यही आमदार साहब का स्टेटमेंट है ना कि मुसलमान मतलब हमारे दस्तरखान से खाना छीन रहा, तो आपके दस्तरखान पे तो मुसलमान नजर नहीं आ रहा कहीं, तो आप कहाँ पे हैं? आप भी तो मुसलमानों को कहीं नहीं ले रहे, कहीं नहीं दे रहे, तो कैसे आपको हम सेकुलर कहें और कैसे हम सेकुलर लोगों को ये कहेंगे मतलब आप लोग ऐसे लोगों को वोट दे रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी सवाल कि आप यहाँ की जनता से इलेक्शन के तहत और ये रैली के देखिए हमारे मुमरा की जनता की अपील है कि मुमरा के लोग ये मोर्चे में आए ताकि मुस्लिम आरक्षण के लिए 5% की जो वो चल रही उसके लिए सपोर्ट करे। ये कौम की जरूरत है, ये MIM की जरूरत नहीं। चाहे जितनी भी सियासी पार्टियां में मुसलमान है, मुसलमान तो मुसलमान है, 5% रिजर्वेशन जो मिलेगा तमाम मुस्लिम चाहे किसी भी पार्टी से उनको ये रिजर्वेशन चाहिए। दूसरा मुमरा के अंदर जो इलेक्शन आने वाला, तो मैं तमाम मुमरा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार आप अपना वोट सोच समझ के देना, चाहे जो भी सेकुलर पार्टी है उनके बारे में आप सब आज सब नंगे हो चुके हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सेकुलर के नाम पे वोट लेके आज जाके लोग सेना के साथ में बैठ गए, कल बीजेपी के साथ में भी बैठने के लिए ये लोग तैयार है। तो अब आप सोचिए कि आप बीजेपी के सपोर्ट के लोगों को वोट देना चाहेंगे कि आपकी जो आवाज उठा रहे हैं MIM पार्टी उसको वोट दोगे? तो हमारी ये गुजारिश है सेकुलर वोटरों से कि आप लोग बहुत सोच समझ के इस बार फैसला करना। और जो हमारे जो ये 27 तारीख का प्रोग्राम है आजाद मैदान में, सुबह 11 बजे ये धरना चालू होगा, सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इंशाल्लाह ताला ये धरना रहेगा। इम्तियाज जलील साहब हमारे आ रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त मिला तो वापस हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तो तमाम लोगों को हम बताते रहेंगे 11 बजे सुबह 11 बजे इंशाल्लाह ताला शनिचर के दिन आजाद मैदान में तमाम लोग पहुंचे, मीटिंग के अंदर पहुंचिए मंडे के दिन। एक बार टाइम रिपीट करके ना पूरा 11 बजे मंडे के दिन 27 तारीख के दिन ये प्रोग्राम रखा गया है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 11 बजे वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करें, पूरी तादाद में आके इस धरने को कामयाब करें। सरकार का काम है अब वो फैसला, इनका काम है करना कि मुसलमानों के हक में अगर ये सरकार है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी, नहीं हक में है तो आप समझ जाइए कांग्रेस NCP और शिवसेना फिर और BJP सब एक ही है। इसलिए हम ये आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं, इतना कहना था, मैं इसीलिए लाइव आया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।